जैन दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप। स्वागत है ऑप्शन गेटर के एक नए वीडियो पे। एफएल इंडिया पे हम टेक चेक लेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर हमारा वो सब्सक्राइब वाला बटन नीचे जो है दबा दीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पे जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो एफएल इंडिया क्यों? क्योंकि एफएल इंडिया इस वीक न्यूज़ पे रहने वाला है, ठीक है। न्यूज़ ऑलरेडी आ चुका है एफएल इंडिया पे स्प्लिट का, तो एक बार वो देख लेते हैं कि स्प्लिट्स के क्या डेट है। तो एफएल इंडिया पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एफएल इंडिया ने क्लोजिंग किया है 5414 पे, ठीक है। एंड एफएल इंडिया पे जो न्यूज़ है वो है कि ये स्प्लिट हो रहा है, तो एक्स डेट है 7 अक्टूबर का एंड रिकॉर्ड डेट है 8 अक्टूबर का। स्टॉक स्प्लिट हो रहा है 1:5 में, यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले में आपको मिलेंगे 5 शेयर, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं? एंड मतलब एक शेयर के बदले 5 शेयर मिलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट 5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है कि शेयर्स बस 5 गुना हो जाएगा, आपका जो जो भी इस तारीख को प्राइस रहेगा ना उससे डिवाइडेड बाय 5 होके स्टॉक का प्राइस आ जाएगा, ठीक है। सो एफएल इंडिया पे अभी क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को? तो देखो, अगर आपका पहले सबसे पहले अपना व्यू क्लियर रखो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए घुसे थे इधर तो आपको बहुत बड़ा गेन मिल गया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, निकल लो। अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू पे घुसे हो इधर, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इधर आप कंसर्न करना, प्राइस एक्शन देखना। और एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे 6,100 के आसपास, ठीक है। ये एक मेजर स्टॉक का रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है, प्रिसाइजली बोलो तो 6,200 के आसपास में, ठीक है। बट तो अगर वहां पे स्टॉक मिले तो डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो जो कि कंपनी के फंडामेंटल्स पे आप इन्वेस्ट किए हो तो बने रहो, क्योंकि कंपनी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो, स्टॉक को हमने सबसे पहले इधर गाइड किया था तो ये गेन मिला था, फिर हमने स्टॉक को यहाँ पे गाइड किया था, ये गेन मिला था, फिर हमने यहाँ पे गाइड किया था क्योंकि यह सपोर्ट जोन था और हमारा जो हमेशा से स्टॉप लॉस इधर 0.5 का लेवल रहा था। लेकिन क्या हुआ, स्टॉक ने इस बार लेवल तोड़ा, स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम लोग एग्जिट कर गए। एंड फिर हम वेट किए, स्टॉक जब रिवर्सल लेके ऊपर आया तब तक न्यूज आ चुका था, तो अपर सर्किट में तो हमें खरीदने का मौका नहीं मिला। बट ये जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जैसे ये स्टॉक स्टेबल हुआ हमने बाई किया एंड हमें ये गेन मिल चुका है अभी तक तत्काल। तो इधर जो है फिर अभी एक सपोर्ट इसने ले लिया, यही मैं देख रहा था बार बार कि यहाँ पे सपोर्ट ले पाता है इन्हें, इधर ले लिया है सपोर्ट। तो अगला जो इसका टारगेट है वो है 5717 का, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो इसका टारगेट है वो है 6688 का है, बट हमें पता है कि यहाँ पे एक उससे पहले ही रेजिस्टेंस है, तो 6200 का जो है लेवल रहेगा, ओके 6200 का। अभी एक चीज है कि अगर उससे पहले स्प्लिट हो जाता है तो स्टॉक का डेफिनेटली प्राइस यहाँ कहीं 800, 900 या 1000 के आसपास आ जाएगा, लगभग 1000 के आसपास आ जाएगा, जैसा देखने 1100 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे फिर एक अलग प्राइस एक्शन चलेगा, अलग एक लेवल्स रहेगा, तो उसको आप मापदंड पे मतलब ये मत बोलिएगा कि यार यहीं पे आए। मैं एक पोटेंशियल बता रहा हूँ कि कितना स्टॉक में अभी पोटेंशियल है इस वीक में जाने का। तो मैक्सिमम पोटेंशियल जो मुझे नजर आ रहा है स्प्लिटिंग से पहले वो है 6100 तक जाने का, ठीक है। उससे पहले एक रेजिस्टेंस है 5700 पे, तो उस पे भी एक मतलब वहां तक तो ये जिस तरह से न्यूज वगैरह सारे पॉजिटिव चीजें आ रही है तो वहां पे एक जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर ले, लॉन्ग टर्म बने रहिए। एंड एक चीज इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एफएल इंडिया पे कहाँ गया, तो एफएल इंडिया पे 7 अक्टूबर का एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट 8 अक्टूबर है, ये तो आपको कंफर्म है। बट एफएल इंडिया में एकदम लॉन्ग टर्म व्यू में क्या प्रॉब्लम्स है वो भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आप आंख बंद करके इन्वेस्टर्स नहीं बन सकते हो, ठीक है। देखो, अगर सपोज यहाँ से आपका स्टॉक, अच्छा मैंने स्टॉप लॉस के बारे में बात नहीं की, तो अगर आप ये टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इधर इन्वेस्टेड हो तो अगर आप इधर एंट्री लिए हो तो आपका अपना स्टॉप लॉस आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो, ताकि आपको लॉस प्रॉफिट गेन ऐसा ना हो, या आप चाहो तो इधर भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन बेटर रहेगा अगर आप 4600 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि यहाँ ये जो लेवल है वो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है,
तो एक बेटर रहेगा, ठीक है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि 200 डेज के मूविंग एवरेज को 50 पीरियड का ईएमए काट रहा है, एंड ये जो 20 पीरियड का ईएमए वो भी काफी बुलिश है, तो काफी अच्छा मतलब स्टॉक में बुलिश मोमेंटम आ चुका है। सो 5700 का टारगेट आ जाना चाहिए, ठीक है, होल्ड फॉर डेट टारगेट। एंड एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा एफएल में, हाँ एफएल में एक्चुअली ना जो एक कंसर्न है मेरा लॉन्ग टर्म व्यू में, इवन आई एम इन्वेस्टेड बट जो कंसर्न है सो कंसर्न है वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग, ठीक है। तो प्रमोटर्स कंटिन्यूअसली अपना होल्डिंग्स घटाते जा रहे हैं। इन्होंने जून में इनका 68% होता था, सेप्टेम्बर पे भी इनका 68% होता था, बट देन दिसंबर में इन्होंने 63% कर लिया, मार्च 2021 में इन्होंने 62% कर लिया, फिर जून में 59.89% कर लिया, ठीक है। तो ये कंसर्न है लेकिन बहुत मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि एफआईआईस की बाइंग देखोगे तो एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ ये रहा एफआईआईस की बाइंग। म्यूचुअल फंड्स ने भी अपना थोड़ा सा स्टेक कम किया है, बट एफआईआई काफी एफआईआईस ने 14% से 18% इन्होंने बढ़ा लिया अपना स्टेक, ठीक है। और एक चीज आपको बताऊंगा कि इधर जो है द वेनगार्ड करके कोई ग्रुप कंपनी है, उन्होंने 5351 पे एक बल्क डील किया था, उससे पहले एफएल और एफएल ने बेचा था, ठीक है। एंड हाँ जो मैंने टारगेट्स दिए वो अकेले मेरे टारगेट्स नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल्स भी बोल रही है 6200 के टारगेट है, एंड ये जो प्रभुदास जो है वो भी बोल रहा है कि ये ब्रोकरेज हाउस भी बोल रहा है कि 7000 तक का टारगेट है, एंड ये जो है मनी कंट्रोल कहाँ गया, हाँ ये मनी कंट्रोल भी बोल रहा है कि 7000 तक के टारगेट है। सो मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, स्प्लिट के बाद भी आपको शायद वो गेंस मिल जाए, ठीक है। लेकिन आप इस चीज को भी, ये कोई नहीं बोल रहा है कि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है, तो उस चीज पे भी आप ध्यान रखिएगा। 100 मतलब 100 पॉजिटिव बातें रखिए, तो एज ए इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बट हाँ एक चीज हम मान सकते हैं कि एक सेकेंड, ये मोबाइल एडवर्टाइजिंग्स में है ये कंपनी, ओके। सो एक चीज हम मान सकते हैं कि एक सेकेंड एक सेकेंड, यस हाँ एफएल इंडिया के जो है जनरल हिस्ट्री पे अगर हम गौर करेंगे, 2005 में ये कंपनी फाउंडेड होती है सिंगापुर में, 2006 में जो है इन्होंने अपनी टीम सेटअप करती है सिंगापुर इंडिया एंड यूके में, 2007 में SMS 2.0 लॉन्च करती है, जो इनिशियली SMS के थ्रू जो है एड्स भेजती थी, एंड उसके बाद SMS लाइव आता है 2008 में, 2010 में भी इन्होंने क्रॉस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, फिर 2011 में इन्होंने कुछ लॉन्च किया, 2012 में भी रिपेल इन्होंने लॉन्च किया था, एंड 2013 पे फिर इन्होंने एड कैंपेन जैसे समथिंग कुछ लॉन्च किया था। एफएल ने आर्क प्लेटफॉर्म 2014 पे लेके आया, तो ये फास्टर डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस करता था, देन मास प्लेटफॉर्म 2015 में लेके आया, ठीक है, ये एंड फिर एम ट्रैक्शन लेके आया, तो एम ट्रैक्शन जो है डाटा एनालिसिस करता था, डाटा एनालिस्टिक्स था एंड CDP प्लेटफॉर्म था, एंड फिर टीवी सिंक एंड फास्ट लेके आया 2017 पे, 2018 पे, एंड इसी बीच में जो है सॉरी एक चीज मैं बताना भूल गया, हाँ नहीं ठीक है, एंड फिर IMDA फील्ड 7 न्यू पेटेंट इन्होंने करा था 2018 में, मतलब एक्वायर्ड विजुरी को एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, एंड शॉफर करके जो एक्वायर्ड शॉफर को फिर एक्वायर्ड करता है, रिवेक्स को एफएल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड द प्लेटफॉर्म एंड बिजनेस एसेट ऑफ रिवेक्स एसेट, 2019 में ये लिस्ट होती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक्वाइजेशन का ही ये एक बिजनेस है एंड मोबाइल एड प्लेटफॉर्म में ये काम करती है। सो ये चीज कंटिन्यू 2020 में भी चला, एंड 2021 पे आप देखोगे तो 2021 में इन्होंने जैम को एक्वायर्ड किया है, ठीक है, जो कि एक लीडिंग प्रोग्रामेटिक ऐप है, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, एंड इससे पहले 2020 में इन्होंने एपनेक्स्ट को एक्वायर किया था, तो एपनेक्स्ट जो है मोबाइल ऐप डिस्कवरी एंड रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म बिजनेस है। तो आप देखोगे तो इनका जो सिमिलर वर्क कल्चर है मतलब एक्वाइजेशन का वो कंटिन्यू रहा है,
इनके पार्टनर्स भी बड़े बड़े हैं, तो इनके केस स्टडीज में मैंने देखा था कि एक लीडिंग मतलब एक फैशन ग्रुप की कंपनी है इंडिया में, तो उनके उनके ऐप के लिए ये अपना एनालिटिक्स देती है। तो एफएल इंडिया, एंड जैसे जैसे इंडिया में मोबाइल कंज्यूमर्स बढ़ते जाएंगे तो एफएल इंडिया पे जो है मतलब एफएल इंडिया के लिए रेवेन्यूज और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, बट वो प्रमोटर्स वाला जो चीज़ है वो याद रखिएगा। एंड अपना माइंडसेट क्लियर कीजिए, शॉर्ट टर्म वाले इधर निकलेंगे, थोड़े से ज़्यादा पोजिशनल वाले इधर निकलेंगे, लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करेंगे। आप स्प्लिट होने पे भी आप खरीद सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हो स्टॉक पे। तो स्टॉक में हमें ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आता है। लेट्स सी स्टॉक कहाँ तक जाता है। थैंक यू सो मच, वैल्यूएशन एक कंसर्न है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। ग्रीन नॉट ग्रीन हमारा मकसद है, तो एफएल इंडिया अगले पूरे हफ्ते जो है न्यूज़ पे हाईलाइटेड रहने वाले रहेगा। शॉर्ट मत कीजिएगा, लॉन्ग साइड पे ही बैठिएगा। थैंक यू सो मच।